हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टार्टर में मोटर के अनुसार कितने रेंज तक की रिले लगाते हैं और एचपी के अनुसार स्टार्टर में कितने एम्पियर पर रिले सेट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे ही कोई मोटर 3 एचपी की या फिर 5 एचपी की मोटर है तो उसमें कितने रेंज तक की स्टार्टर में रिले लगाते हैं और कितने एम्पियर पर रिले को सेट करते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हमें स्टार्टर में रिले रेंज का सिलेक्शन करने के लिए तो उसमें हमें सबसे पहले मोटर का फुल लोड करंट पता होना चाहिए। तो फुल लोड करंट पता कैसे करते हैं, फुल लोड करंट चेक कैसे करते हैं, वह 3 तरीके से हम फुल लोड करंट मोटर का निकाल सकते हैं, एचपी में हो या फिर वाट में हो। एचपी में होती है मोटर तो उसे वाट में कन्वर्ट करनी होती है। तो हमें सबसे पहले मोटर का फुल लोड करंट निकालना है, FLC निकालनी है। तो वह कैसे निकालते हैं, तो वह FLC कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो 3 फेज मोटर का P बराबर √3 VI cos φ, यह फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें एम्पियर निकालना है मोटर का। तो हम मान लेते हैं कि कोई मोटर है जो कि 5 HP की मोटर है या फिर 6 HP की मोटर ले लेते हैं। 6 HP की मोटर है और उसका नॉर्मल वोल्टेज 415 वोल्टेज है। जो हमें बेसिकली वोल्टेज लेना है वह 415 वोल्टेज ही लेना है, 3 फेज की मोटर में 415 वोल्टेज। और यह इंडस्ट्रीज में होती है तो इंडस्ट्रीज में वोल्टेज इंप्रूव किए हुए होते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव किए हुए होते हैं, तो उसमें वोल्टेज हम 440 वोल्ट ले सकते हैं। और पावर फैक्टर जो होता है यदि इंडस्ट्रीज में इंप्रूव किया हुआ होता है तो उसमें 0.85 या फिर 0.9 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ बेसिकली पावर फैक्टर लेंगे जो कि 0.8 होगा। तो हमें इसमें एम्पियर निकालना है, मोटर का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें I बराबर होगा P√3 V cos φ। तो 6 HP की मोटर है तो इसमें वाट में कन्वर्ट करना होगा। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए HP × 746 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 6 HP की मोटर है तो 6 HP × 746 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करने पर यह है 4476 वाट, जो कि वाट में चेंज हो गया। तो यहाँ पर I बराबर P का मान हो गया 4476 वाट। इसमें हमें वाट में ही लिखना होता है पावर, जो कि पावर होती है, और यदि किलोवाट में होती है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके वाट में चेंज कर सकते हैं। और √3 का मान होता है 1.732, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 1.732 लिख दिया। और वोल्टेज है जो कि 415 वोल्टेज है और कोस फाई जो कि पावर फैक्टर है वह 0.8 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो और अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो I बराबर, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर यह आया 575 और 4476 जो कि वाट है। 4476 में 575 का भाग देने पर यह आया 7.78 एम्पियर, लगभग इसे हम 8 एम्पियर मान सकते हैं, जो कि लगभग 8 एम्पियर, जो कि FLC बराबर 8 एम्पियर, जो कि फुल लोड करंट है, मोटर का फुल लोड करंट 8 एम्पियर। और यदि हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है और डायरेक्ट फुल लोड करंट निकालना है मोटर का, तो HP में यदि मोटर है तो उसका HP × 1.3 या फिर 1.32 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इसमें 6 HP है तो 6 HP × 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आएगा लगभग 7.8 एम्पियर। और 1.132 से करेंगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, जो कि हम इसे लगभग 8 एम्पियर मान सकते हैं। और एक मोटर की नेम प्लेट पर भी लिखा हुआ आता है FLC बराबर एम्पियर, जो कि 8 एम्पियर हो सकता है, या फिर 5 HP की मोटर है तो उसमें कुछ और एम्पियर हो सकता है। तो वह जो भी नेम प्लेट में FLC लिखा हुआ आता है वह मोटर का फुल लोड करंट ही लिखा हुआ आता है। तो इस तरह से हम 3 फेज मोटर का FLC निकाल सकते हैं, फुल लोड करंट। तो अब हम इसमें रिलेस का सिलेक्शन कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें फुल लोड करंट है 8 एम्पियर तो इसका 20% प्लस माइनस करना है, जैसे कि 8 ± 20%। तो इसमें 20% निकालना है 8 एम्पियर का, तो 8 × 20 / 100 से डिवाइड करेंगे दिया आएगा 1.6 आएगा। तो इसमें प्लस माइनस 20% करना है, जो कि 20% हुआ 1.6, तो 8 प्लस माइनस हो जाएगा 1.6,
जिसमें कि हम एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, जिसमें कि इसमें 8 में से 1.6 माइनस करेंगे तो आएगा 6.4 से, और एक बार हम इसमें प्लस करेंगे तो 9.6 आएगा। तो इस रेंज के हमें थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में लगानी है। तो हमें स्टार्टर में इस रेंज की रिले लगानी है जो कि 6 HP की मोटर है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें 6.4 एम्पियर से लगाकर 9.6 एम्पियर तक की या फिर 10 एम्पियर तक की रिले लगानी है स्टार्टर में, थर्मल ओवरलोड रिले लगानी है। तो दोस्तों यह तो हो गया मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर में रिले रेंज का सिलेक्शन। और अब हम इसमें देख लेते हैं कि मोटर को 6.4 एम्पियर से 9.6 या फिर 10 एम्पियर की जो रिले लगी हुई है इसमें एग्जैक्ट हमें कितने एम्पियर पर रिलों को सेट करना है। जो इसमें रिलों की रेंज आती है उस रेंज के अनुसार हमें स्टार्टर में कितने एम्पियर पर फिक्स हमें सेट करनी है रिलों को। तो वह सेट करने के लिए हमें मोटर का रनिंग करंट पता होना चाहिए। रनिंग करंट हमें पता करना होगा। मोटर में दो टाइप का करंट होता है। एक होता है FLC फुल लोड करंट जो कि होता है रेटेड करंट, एक होता है रेटेड करंट और एक होता है रनिंग करंट। तो दोस्तों मोटर में दो टाइप का करंट होता है, एक होता है रेटेड करंट और एक होता है रनिंग करंट। रेटेड करंट जो होता है वो होता है FLC जो कि फुल लोड करंट होता है मोटर का। जैसे कि रेटेड करंट मोटर का 6 HP की मोटर है तो उसका रेटेड करंट 8 एम्पियर है, फुल लोड करंट 8 एम्पियर है। तो हमें स्टार्टर में 8 एम्पियर से अधिक की रिलों को सेट नहीं करना है। 8 एम्पियर से अधिक का लोड होगा यदि मोटर पे तो मोटर खराब हो सकती है, जल सकती है। तो उसमें हमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए 6 HP को मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें या फिर हमें 6 HP की मोटर पर हमें 8 एम्पियर से अधिक का लोड नहीं देना है। और दोस्तों रनिंग करंट जो होता है मोटर रनिंग कंडीशन में चल रही है, जैसे कि मोटर अभी चल रही है तो उसमें कितने एम्पियर का लोड लगा हुआ है। रनिंग कंडीशन में मोटर पर कितना भी लोड हो सकता है, 4 एम्पियर का लोड भी हो सकता है, 5 एम्पियर का लोड भी हो सकता है, 6 एम्पियर का लोड भी हो सकता है और 7 एम्पियर का लोड भी हो सकता है। ये हमारा लोड कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मोटर की शाफ्ट पर कितने एम्पियर का लोड कनेक्ट किया हुआ है या फिर कितने लोड पर मोटर चल रही है, तो वह चेक करने के लिए हम क्लैंप मीटर से चेक कर सकते हैं और एम्पियर मीटर जो आता है उसमें तीनों फेज का एम्पियर चेक कर सकते हैं। रनिंग कंडीशन में यदि मोटर 6 एम्पियर पर चल रही है तो उसमें हमें कितने एम्पियर पर स्टार्टर में रिले सेट करनी है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि रनिंग कंडीशन में यदि मोटर 6 एम्पियर पर चल रही है तो उसमें स्टार्टर में रिलों को सेट करके थोड़ा सा 6 एम्पियर से थोड़ा सा बढ़ा के रिलों को सेट करना है। जैसे कि 6 एम्पियर पर चल रही है मोटर, 6 को मल्टीप्लाई करना है 1.15 या फिर 1.7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसमें 6 को 1.15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आता है 6.9 एम्पियर। तो हमें इसमें 6 HP की मोटर को चलाने के लिए 6 एम्पियर की रनिंग कंडीशन में 6 एम्पियर के लोड पर चल रही है मोटर, तो उसमें हमें 6.9 एम्पियर पर रिलो को सेट करना होता है। रिलो की जो नॉब होती है तो उसमें हमें 6.9 एम्पियर पर रिलों की नॉब को सेट कर सकते हैं, 7 एम्पियर पे भी हम सेट कर सकते हैं। यदि 6 HP की मोटर पे हमने कम लोड कनेक्ट किया हुआ है और वो 5 एम्पियर के लोड पे चल रही है तो उसमें हमें 5 को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है, जिसमें कि ये आता है 5.75 एम्पियर। तो इसमें हमें लास्ट 6 एम्पियर की रिले लगाई हुई है तो हमें इस पर नहीं लगा के हम लास्ट 6 एम्पियर पर भी हम रिलों को सेट कर सकते हैं, जिससे कि मोटर पर यदि 6 एम्पियर से अधिक का लोड होगा तो मोटर को स्टार्टर ट्रिप कर देगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम मोटर का HP के अनुसार स्टार्टर में रिले सेट कर सकते हैं, रिले रेंज सेट करके रिले रेंज लगा सकते हैं एम्पियर तक की। और उसमें HP के अनुसार हम स्टार्टर में जो रिले रेंज होती है उसमें भी इस तरह से एम्पियर निकाल के, करंट निकाल के हम इस तरह से उसमें फिक्स एम्पियर सेट कर सकते हैं। और दोस्तों स्टार्टर में जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है उसमें हमें केवल ओवरलोड प्रोटेक्शन ही मिलता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो इसमें हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन निकालने के लिए हमें उसमें MCB और अलग से लगानी होती है जो कि हम स्टार्टर के ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम मोटर के अनुसार स्टार्टर में रिले सेट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और स्टार्टर से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना।